السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज ईद का दिन है, मदीनतुल मुनव्वरा में हम मौजूद हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं, जबकि हमारी प्लानिंग थी कि हम 2-2.5 बजे निकल जाएंगे, लेकिन चूँकि कल रात भी हम नहीं सोए और सुबह में भी नहीं सोए, और फिर सफ़र रहा जिसकी वजह से नींद लग गई और फिर काफ़ी ताखिर हो गई है। अभी देखते हैं हमें जगह भी मिलती है कि नहीं मिलती है, जबकि हमारे कुछ साथी 2 बजे गए हैं, उनका मैसेज आया कि जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर, रश बहुत ज़्यादा है, अगर ऊपर जगह मिल गई नमाज के लिए समझिए कि फिर किस्मत है। चलिए देखिए, यहाँ ब्लॉक्स बंद लग चुके हैं, यहाँ से छोड़ता जाने ही नहीं दे रहा है। अब कैसे जाएंगे यार, फिलहाल तो रास्ता कहीं से भी नहीं है, फिर भी बस इधर से उधर दौड़ रहे हैं, कहीं जगह मिल जाए तो ठीक। ये अब हम दूसरी साइड से आए, अल्लाह करे कहीं से कोई जगह मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। यहाँ पे एक चीज पर मैंने गौर किया है, अगर रास्ता आगे से बंद है तो पुलिस वाला या कोई भी कभी भी नहीं कहेगा कि आगे से बंद है। आप जाते रहो, वहाँ बंद पाओगे खुद ब खुद घूम कर क्या होगा, पूरा ये हरम घुमा देंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि आगे बंद है। वो कहेंगे कि आगे जाओ, आगे भी बंद है, फिर वो कहेंगे आगे जाओ, आगे भी बंद है, खुला कहीं से नहीं होता। वो बस कहते हैं आगे जाने के लिए ताकि रश ख़त्म हो जाए, और लोग इसी उम्मीद पर कि चलो आगे खुला होगा आगे चलते हैं, तो बस आगे ही चलते रहते हैं, फिर घूम घाम के जहाँ उन्हें जगह मिलती है बैठ कर वहीं नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिलहाल हम वही कर रहे हैं, अभी पूरा मस्जिद नबवी का इलाका हम चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ से भी बंद है। यहाँ से भी एक रास्ता था, वो भी बंद हो चुका है। यहाँ पर 2-3 मस्जिद है, ये मस्जिद अबू बकर है, ये वाली, ये मेरा ख्याल है मस्जिद गमामा है, ये जो है, और एक पीछे गुम्बद नज़र आ रहा है वह है मस्जिद आली। इंशाल्लाह इस पर भी पूरी एक वीडियो बनाई जाएगी। सामने हरम है, लेकिन कहीं से दाखिल होने की जगह, सब रिटर्न आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, उम्मीद बांधे। चलिए ये भी बंद है। सामने मस्जिद नबवी है, लेकिन दाखिले की कोई सूरत नहीं,
वहाँ हम दाखिल नहीं हो सकते। अभी 4:10 अभी टाइम हो रहा है, लोग यहाँ सफे लगा चुके हैं। हम उधर जा रहे हैं, लोग इधर आ रहे हैं। कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं, कोई जगह नहीं है, बस हर जगह लोग इकास लगाए खड़े हैं कि खुल जाए। बेचारे काम करने वाले हैं, देखें इनकी कोई ईद नहीं है। बंद हो चुके हैं, अब कहाँ जाएं? इंशाल्लाह फिलहाल अब बाहर नमाज पढ़ने की जगह ढूंढते हैं, कहीं तो मिले भाई। तो माशाल्लाह हमें यहाँ जगह मिली है फंदों खिलाफत तकवा के सामने, पीछे मस्जिद गमामा, मस्जिद अबू बकर है। हरम में जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, यहाँ जगह मिलना गोया कि आप फजर की नमाज़ में ही पढ़ना है, ईद की नमाज़ भी आपको यहीं पढ़ना है। माशाल्लाह ये सुबह का मंजर है, तकबीरात चालू हैं, एक के बाद दीगरे। काफ़ी दूर तक ये समझे कि पब्लिक है, लोगों का हुजूम है, रास्ते सारे बंद हैं। ये देखिए ये जो पुल नज़र आ रहा है बिल्कुल बंद है। हमें जगह नहीं मिली, 3:30 बजे हम आए थे, उसके बावजूद भी करीब 1 बजे ही ये हरम बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों का रश बहुत ज़्यादा है। हम बिल्कुल समझिए कि मस्जिद गमामा के पास हैं, ये मस्जिद गमामा आपको नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल सामने हम खड़े हैं। Allah
ड्रोन कैमरेज भी चलाए जा रहे हैं, आपको नजर आएगा कि नहीं, ड्रोन कैमरा ये देखो। ये है ड्रोन कैमरा। وما تنست من خشية ربها المحاجر وما لهجت الألسن بالتوحيد وأقر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله. يا مسجد غمامة إن شاء الله इसकी जो तफसील है वो किसी दूसरी वीडियो में मैं पेश करूंगा इंशाल्लाह। अभी हरम के अंदर जाना बहुत मुश्किल है, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हरम में जा करके पूरी वीडियोस इंशाल्लाह बना करके भेजेंगे। रश यहाँ बहुत ज़्यादा है क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा से ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं आखिरी अशरे में और अपनी ईद यहीं मनाने आते हैं ज़्यादातर लोग, इसलिए यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। आज की ईद बस हेलीकॉप्टर को देख करके मनाई जा रही है।